आपके साथ आयुषी शर्मा, आज तक 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा ग्राम जलभून में अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई की गई। अतिरिक्त तहसीलदार सुनील कुमार सिसोदिया ने जानकारी में बताया है कि डिप्टी कलेक्टर और अन्य विभाग अधिकारी अंशु जावला के निर्देश पर कार्रवाई की गई है। ग्राम में नवनिर्मित भवन का कुछ हिस्सा जो कि शासकीय भूमि पर बना हुआ था, आवश्यक जांच के बाद अतिक्रमण को तोड़ा गया। इस दौरान पानसीमल तहसीलदार राकेश सस्तिया, अतिरिक्त तहसीलदार सुनील सिसोदिया, थाना प्रभारी लाखन सिंह बघेल सहित अन्य कर्मचारी मौजूद थे। साथ ही अन्य अतिक्रमण के दौरान बनी हुई छत को भी स्वयं के द्वारा हटाने को कहा गया। आज ग्राम पंचायत जलगोन में अतिक्रमण संबंधित कार्रवाई की गई है। अनुभागीय अधिकारी महोदय राजस पानसेमल के निर्देश में कार्यपालिक मजिस्ट्रेट नियुक्त करने पे मैं तहसीलदार सर, ओटीआई साहब वगैरह के द्वारा ग्राम पंचायत जलगोन में कुम्हार समाज अध्यक्ष के द्वारा कॉम्प्लेक्स भवन जो बनाया गया था वो शासकीय जमीन में, आबादी शासकीय जमीन में बनने होने से उसका अतिक्रमण से मुक्त किया गया। ये अभी आज थोड़ा हमने 3x30 फीट का अतिक्रमण हटाया है और बाकी उन्होंने हमारे पास कटर वगैरह व्यवस्था नहीं होने से ऊपर जो छत है वो स्वेच्छा से कटर से मैं कटवा लूँगा। इस प्रकार अतिक्रमणकर्ता ने पंचनामा पे हस्ताक्षर कर हमको कथन में बताया गया। धन्यवाद सर।